नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप लोग देख रहे हैं एक बार फिर आपका अपना चैनल गाजीपुर सच आप तक। आपका धरने पर बैठने का क्या उद्देश्य है? मेरा धरने पर बैठने का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब मजदूर किसान हैं उनकी सेवा करना। हमारे ग्राम सभा में मनरेगा में जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी मारी गई है। हमारे गांव के जो ग्राम सेवक रोजगार कर्मचारी है उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और 90% मजदूरों की मजदूरी आज तक नहीं मिल पाई है। और जब तक इस धरने पर हम उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे कर्मचारी को, तब तक ही मेरा धरना चल रहा है। आज अब तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है, आप आगे क्या करेंगे? देखिए, आज शुद्ध रूप से धरने पे था, अभी समय है, आ सकते हैं। यदि कोई नहीं आया तो कल से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा और जब तक 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप इसके पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कोई परिणाम नहीं निकला, क्या कहेंगे? ये शुद्ध रूप से सरकारी कर्मचारी इसमें दोषी हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको बदनाम करने की साजिश है। किसी भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और न किसी हम मुद्दे पे किसी प्रकार का हल हो रहा है, लेकिन उससे हम भयभीत नहीं हैं। हम छात्र जीवन से ही जनसेवक रहे हैं और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे।